अब मैं यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, मैं कोई भी थ्रॉटल कुछ भी एक्सेलेटर नहीं लेने वाला हूँ, जस्ट मैं इसे हाफ क्लच के पोजीशन पे लेके आऊँगा। देखिए मैं हाफ क्लच के पोजीशन पर भी इसके लेके आ रहा हूँ, आप देखिए धीरे धीरे बाइक का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, चाहे आप एक्सपीरियंस राइडर हो या फिर आप न्यू राइडर भी हो, दोनों ही कंडीशन में आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको क्लच लीवर के तीन अलग अलग पोजीशंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला पोजीशन है जब हम लोग क्लच लीवर को पूरी तरह से प्रेस कर देते हैं, यह है फुल क्लच का पोजीशन, टेक्निकली कहा जाए तो यह है क्लच डिस इंगेजमेंट का पोजीशन। दूसरा जो पोजीशन है वो जब हम लोग क्लच को हाफ प्रेस करते हैं, यह है हाफ क्लच का पोजीशन। और यह जो पोजीशन है यह सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गियर बॉक्स को खराब करने वाला, क्लच प्लेट को जलाने वाला, इंजन का जो पावर है उसे लॉस करने वाला, साथ ही आपके बाइक के माइलेज को कम करने वाला जो पोजीशन होता है ये होता है जब हम लोग हाफ क्लच प्रेस करते हैं। टेक्निकली से हम लोग कहते हैं पार्शियली क्लच इंगेजमेंट का पोजीशन। और फाइनली जो तीसरा पोजीशन, जब हम लोग क्लच लीवर को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, ये है फुल क्लच इंगेजमेंट का पोजीशन। तो आगे मैं आपको इन तीनों ही पोजीशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप नए राइडर है तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि इन्हें कब कब यूज़ करना चाहिए, और अगर आप एक्सपीरियंस राइडर है तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि तीनों ही पोजीशन में उस वक्त आपके बाइक के इंजन के अंदर में क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फुल क्लच के बारे में। देखिए जब आप लोग क्लच लीवर को पूरा इस तरह से कंप्लीट प्रेस कर देते हो, इस वक्त पे इस बाइक का जो इंजन का क्रैंक शाफ्ट है और इस बाइक का जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है, इनके बीच में जो इंगेजमेंट है, जो कनेक्शन है, वो ब्रेक हो जाता है। और जब क्लच लीवर पूरी तरह से प्रेस जाता है, उस टाइम पे चाहे आपका बाइक न्यूट्रल में हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी गियर में हो, चाहे बाइक खड़ा हो या चाहे बाइक रनिंग कंडीशन में भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंजन का पावर जब क्लच पूरा प्रेस रहता है तो इंजन से ना तो गियर बॉक्स में जाता है, ना तो आपके बाइक के चेन में जाता है, ना ही बाइक का जो पीछे का चक्का है वहां पे नहीं जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मैं एक बार इंजन को ऑन कर लेता हूं। मैंने इंजन को ऑन कर लिया, अब मैं इसे फर्स्ट गियर में डाल देता हूँ। आप देख सकते हो अभी ये फर्स्ट गियर में है। अब मैं देखिए यहाँ पे थ्रॉटल लूंगा, मैं एक्सेलेटर लूंगा, लेकिन ये बाइक गियर में होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे आरपीएम मीटर शो कर रहा है। आप देखिएगा इंजन के अंदर में पेट्रोल भी जल रहा है और इंजन पावर भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखिए, लेकिन फिर भी हमारा जो बाइक है वो आगे नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि क्लच डिसइंगेज के पोजीशन में है। सेम मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अपने बाइक को थोड़ा चला लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप गौर कीजिएगा कि जब हम लोग दो तीन किसी भी गियर में होते हैं, ठीक है, मैं अभी तीन गियर में हूँ, 32 के 34 के स्पीड में हूँ। अब देखिए मैंने क्लच लीवर को पूरी तरह से प्रेस कर दिया, अब यहाँ पे मैं अगर एक्सेलेरेटर भी लूँगा तो भी इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो पावर बाइक का जो गियर बॉक्स है उसे नहीं मिल रहा है। और एक टाइम के बाद जो अभी बाइक चल रहा है वो इस मोमेंटम के वजह से चल रहा है, व्हील का वो इंजन का थ्रॉटल लेने की वजह से या पावर लेने की वजह से नहीं चल रहा है। ये देखिए मैं थ्रॉटल भले लेते रहूँगा, जितना मर्जी लेते रहूँगा, लेकिन एक टाइम के बाद बाइक रुक जाएगा गियर होने के बावजूद। तो ये है फ्रेंड्स क्लच डिस इंगेजमेंट का पोजीशन। देखिए आप धीरे धीरे करके बाइक यहां पे रुक गई है। ओके, अब यहां जो क्लच डिस इंगेजमेंट या जो फुल क्लच का जो पोजीशन है, इसे हमें बेसिकली दो सिचुएशन में यूज करना चाहिए। जो पहला सिचुएशन है वो बहुत ही सिंपल है, जब हम लोग को अपने बाइक के गियर को चेंज करना हो, चाहे गियर को कम करना हो, चाहे गियर को बढ़ाना हो, उस टाइम पे हमें हमेशा क्लच लीवर को जो है वो पूरी तरह से प्रेस करके ही चेंज करना चाहिए, ये बेहतर होता है, ये रिकमेंडेड भी है। अब देखिए आप, मैं अभी धीरे धीरे करके क्या करूंगा, गियर बढ़ाऊंगा, लेकिन क्लच को मैं पूरा प्रेस करूंगा। इस वक्त में क्या होता है कि अगर आप क्लच को पूरा प्रेस करोगे तो फिर बाइक का जो गियर बॉक्स है वहां पे जो गियर चेंज हो रहा है वो स्मूथली हो पाता है, गियर को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि बहुत से लोग जो क्लच लीवर है उसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं, कभी 50% प्रेस करेंगे, कभी 70% प्रेस करेंगे, और जो गियर है उसे चेंज कर देते हैं। इस हैबिट को आपको सुधार करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए सेकंड एक और सिचुएशन होता है जहां पे हम लोग जो हमारा फुल क्लच है उसे यूज करते हैं, यूज करना भी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम लोग बाइक को चलाते रहते, ठीक है अभी मैं चला रहा हूं इसे,
अभी 40-45 की स्पीड में बाइक आ गया है। तो कई बार क्या होता है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका हो या कोई भी इलाका हो, हम कई बार चाहते हैं कि जो हमारा इंजन है वो चालू रहे, हम थ्रॉटल नहीं ले, एक्सेलेटर नहीं ले, और उस वजह से हम क्या करते हैं कि क्लच लीवर को जो है वो प्रेस कर देते हैं। अब जब मैंने क्लच लीवर को प्रेस कर दिया है तो आप देखिए कि जो इंजन का RPM है वो करीब अभी 2100-2200 के आसपास है, लेकिन इंजन से कोई भी पावर आगे जो है वो नहीं जा रहा है गियर बॉक्स में। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम पे हम लोग क्लच लीवर को पूरा प्रेस करके अपने बाइक को चला पाते हैं, और अभी जो बाइक चल रहा है वो पूरी तरह से जो हमारा व्हील है, जो चक्का है, उसके वजह से चल रहा है, ना तो चेन के वजह से, ना तो आपका जो गियर बॉक्स है, कौन सा गियर है, 4-3-2-1 गियर है, कौन सा गियर है, वो बिल्कुल इस टाइम पे मैटर नहीं करता है, वो पूरी तरह से व्हील के वजह से चल रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे दिखाना चाहूंगा। फ्रेंड्स अभी आप गौर कीजिएगा कि देखिए जो हमारा बाइक है मेरा वो 5 गियर में 52 का स्पीड है। अब देखिए जब मैं गियर को कम भी कर दूंगा, 3-2-1 मैंने एक गियर पे ले आया है, एक गियर पे भी देखिए 45-44 की स्पीड में बाइक चल पा रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लच लीवर को छोड़ दूँ और एक्सेलेटर लेके कोशिश करूँ तो शायद एक गियर में 40-45 या 50 का स्पीड नहीं मिल पाएगा। इसलिए भी मैं आपको इस बात का प्रूफ हो जाता है कि जब हम लोग क्लच लीवर को प्रेस कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो व्हील का मूवमेंट है उसी की वजह से बाइक चलता है। तो बेसिकली फुल क्लच को आपको दो कंडीशन में यूज करना है, एक तो गियर चेंज करते वक्त, और दूसरा जब आप चाहते हो कि आप थ्रॉटल नहीं ले, आपको एक मूवमेंट मिल जाए, आप आगे आपकी बाइक बढ़ते रहें, तो उस वक्त भी आप इस जो हमारा लीवर है इसे क्लच लीवर को यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हाफ क्लच का पोजीशन या पार्शियली इंगेजमेंट का पोजीशन। इस टाइम पे जो हम क्लच लीवर है उसे 50%-70% इस आसपास हम लोग प्रेस करके रखते हैं। अब देखिए जब हम लोग पार्शियली क्लच लीवर को प्रेस करके रखते हैं उस टाइम पे ये होता है कि जो बाइक का इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है और जो गियर बॉक्स का क्रैंकशाफ्ट है ये पार्शियली इंगेज हो जाता है, पूरा का पूरा इंगेज नहीं होता है लेकिन पार्शियली थोड़ा बहुत इंगेज हो जाता है। और इस टाइम पे यानी कि हाफ क्लच वाले पोजीशन पे जो हमारा इंजन है जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो पावर पार्शियली, पूरा का पूरा नहीं लेकिन 50%-70% पावर जो है वो गियर बॉक्स के तरफ ट्रांसफर होते जाता है, और जिसके वजह से हमारा बाइक आगे मूव करता है। इस टाइम पे हम लोग को इस पोजीशन में टॉर्क ज्यादा मिलता है। अब देखिए समझिएगा, अभी इस बाइक का जो इंजन है वो स्टार्ट है, आप देख सकते हो कि जो RPM है वो करीब 1600 के आसपास आपको RPM दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस वक्त में जब बाइक न्यूट्रल में है, इंजन स्टार्ट है, इस टाइम पे इस बाइक का जो क्रैंकशाफ्ट है वो एक मिनट में 1600 बार घूम रहा है। अब फ्री में तो नहीं घूम रहा है, अब अगर क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, इंजन चालू, इसके मतलब हुआ कि इंजन के अंदर में अभी पेट्रोल भी जल रहा है। अब देखिए आप समझिएगा हाफ क्लच के सिचुएशन को, मैं क्या करता हूं अभी कि एक बार इस बाइक को एक गियर में ले आता हूं, आप देख सकते हैं एक गियर में आ गया है। अब मैं यहां पर आप गौर कीजिएगा, मैं कोई भी थ्रॉटल कुछ भी एक्सेलेरेटर नहीं लेने वाला हूं, जस्ट मैं इसे हाफ क्लच के पोजीशन पे लेके आऊंगा। देखिए मैं हाफ क्लच के पोजीशन पर भी इसके लेके आ रहा हूं, आप देखिए धीरे धीरे बाइक का मूवमेंट स्टार्ट हो गया क्योंकि पार्शियली जो पावर है वो ट्रांसफर होने लगा है गियर बॉक्स को, गियर बॉक्स से फिर वो पावर जाने लगा है चेन को और चेन से पीछे के चक्के को, और फिर हमारा जो बाइक है वो मूव कर रहा है। आप देखिए कि हमारा 9 तक का स्पीड आ गया है, मैं इसे यहां पर पूरा भी छोड़ सकता हूं, अभी देखिए फुल इंगेज हो गया है और जो पावर है वो फुल ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन चूंकि थ्रॉटल मैं अभी नहीं ले रहा हूं इस वजह से जितना भी RPM है उसके अकॉर्डिंग मुझे स्पीड मिल जा रहा है। लेकिन अगर अभी यहीं पे सेम इसी तरह कंडीशन में मैं अपना गियर को 4-5 या 6 पे ले आऊं तो आप गौर करोगे कि मेरा बाइक जो है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि 4-5-6 गियर पे गियर रेशियो अलग होता है और उस गियर पे बाइक को मूव कराने के लिए हमें ज्यादा RPM का इंजन का यानी कि इंजन ज़्यादा तेज़ी से घूमना है इसका ज़रूरत होता है। तो आप ये तो समझ गए कि हाफ क्लच के पोजीशन पे होता क्या है, ठीक है। अब इसे यूज़ कब करना है ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ बाइक को एक बार पहले यहाँ पे सेंटर वाले रोड पे ले आता हूँ, ठीक है। देखिए अब जब हाफ क्लच है उसे बेसिकली 2-3 सिचुएशन है जहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले जब हमारा बाइक न्यूट्रल में होता है, ठीक है, हम बाइक खड़ा होता है न्यूट्रल में होता है, हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, एक गियर में ले आते हैं, उस टाइम पे अगर आप चाहते हो कि जो बाइक का इंजन बंद नहीं हो, क्लच को नुकसान नहीं हो, गियर बॉक्स को नुकसान नहीं हो, इसलिए इस टाइम पे ये जरूरी होता है कि हम क्लच लीवर को पूरा का पूरा नहीं छोड़ दें, ठीक है। हम इसे धीरे धीरे करके हाफ क्लच के पोजिशन पर ले आते हैं, धीरे धीरे एक्सेलेरेटर को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे हमारा मोमेंटम मिल जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब जो हाफ क्लच है उसे एक और सिचुएशन में हमें हमेशा यूज करना चाहिए। ये जो है आपका राइडिंग हैबिट है उसके साथ आपको ये आ जाएगा। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं, गियर चेंज करते जाते हैं, ठीक है, तीन चार गियर में आ रहे हैं, तो कभी भी आप इस हैबिट को अपनाइएगा कि जब आप जो लीवर जो हमारा गियर चेंज कर रहे हैं उस टाइम पे जैसे ही आप पूरा क्लच लीवर को पूरा दबा दे रहे हैं, तो कभी भी जब गियर को चेंज कर रहे हैं उसके बाद पूरा इसे नहीं छोड़ दे, उससे भी झटका लगता है गियर बॉक्स में। हमेशा आपको इस तरह से बढ़ना है कि जैसे कि यहाँ पे फुल क्लच हो गया, आपको हाफ की तरफ बढ़ना है, फिर फुल चल जाना है। ये आपको राइडिंग हैबिट के साथ आ जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। एक बार मैं कम कर लेता हूँ गियर को। अब आप देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये एकदम तुरंत से होता है, लेकिन ये हैबिट हो जाएगा राइडिंग का तो आ जाएगा आपको। देखिए इस तरह से होना चाहिए, फुल क्लच, फिर आपने हाफ पे ले गए तब आप रिलीज करें। तो सेकेंडली आपको हाफ क्लच को उस वक्त यूज करना है। एक और सिचुएशन आता है जहां पे हम लोग हाफ क्लच को यूज करते हैं, यूज करना भी चाहिए, जब भी भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो पहले मैं गियर को कम कर लेता हूं। जब भी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और हम चाहते हैं कि अपना जो बाइक का इंजन है वो बंद नहीं हो, उस टाइम पे हम किस तरह का बाइक चलाते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, कभी हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी एक्सेलेटर लगाना पड़ता है, उस टाइम पे ये जरूरी होता है कि हम हाफ क्लच के साथ अपने बाइक को चलाए। उसमें कोई इशू नहीं है, कुछ सामने आ गया हमें रोकना पड़ा, ठीक है, फिर हमने गियर कम किया, फिर हमने हल्का से ऐसे छोड़ा, हाफ क्लच फिर से लिया, ये ठीक है, ऐसा करना ठीक है। गलत ये है हाफ क्लच के साथ, जिससे कि क्लच प्लेट को नुकसान होता है, जिससे कि गियर बॉक्स को नुकसान होता है, जिससे कि माइलेज पावर सब में इफेक्ट पड़ता है। वो है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाफ क्लच को हल्का हाफ क्लच रख के एक्सेलेटर लेते रहते हैं। देखिए बाइक तो चलेगा, हाफ क्लच में ले रहा हूँ, बाइक तो चलेगा ही, लेकिन इससे क्लच प्लेट जल्दी जल जाता है, और जितना पेट्रोल जलने से इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरा का पूरा पावर पीछे गियर बॉक्स को, पीछे चक्के को नहीं मिलता है। तो कभी भी हाफ क्लच 30% 50% 70% प्रेस करके अपने बाइक को नहीं चलाना चाहिए। अगर सामने खाली रोड है आपको लग रहा है, तो जस्ट आपको क्लच लीवर को पूरा रिलीज कर देना है, ठीक है, इस तरह से पूरा रिलीज करके ही चलाना है, ये ज़्यादा बेहतर होता है। फ्रेंड्स अब मैं आपको तीसरे पोजीशन के बारे में बताता हूँ, जो कि है क्लच रिलीज का पोजीशन। टेक्निकली कहा जाए तो फुल क्लच इंगेजमेंट का पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप क्लच लीवर को पूरी तरह से रिलीज कर देते हो, उस टाइम पे जो हमारा गियर बॉक्स है और जो इंजन का क्रैंकशाफ्ट है, ये आपस में पूरी तरह से इंगेज हो जाते हैं और पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर होने लगता है इंजन से गियर बॉक्स में। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके इंजन के अंदर में जितना भी पेट्रोल जल रहा है और उस पेट्रोल के जलने के वजह से इंजन जितना भी पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरा का पूरा पावर आपके बाइक के पीछे के चक्के को मिले, तो उस टाइम पे आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप जो क्लच लीवर है उसे पूरी तरह से छोड़ दे और चलाए। हालांकि हर सिचुएशन में क्लच लीवर को पूरा छोड़ के बाइक को चला पाना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जब हमें क्लच दबाना पड़ता है, फिर भी जहां पे भी आपको इस तरह का सिचुएशन आए, जैसे कि अभी फ्री रोड इस तरह का रोड आए, तो उस टाइम पे आप क्लच लीवर को पूरा रिलीज कर दे और अपने बाइक को चलाए। इससे आपको आपके बाइक से बेहतर माइलेज देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप क्लच लीवर के तीनों पोजीशंस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वैसे आप जिस भी राइडिंग सिचुएशन के ऊपर में वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप अपना जो राय है या जो भी आपका वीडियो का सजेशन है, वो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी बता सकते हो। मैकेनिकल टेक हिंदी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, तो इंस्टाग्राम में भी चैनल को जरूर से फॉलो करें और वहाँ पर भी सपोर्ट करें। अगर आज का ये राइडिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट राइडिंग वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले राइडिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।